फरीदाबाद की नीमका जेल में बंद करीब 2500 कैदियों को नए साल में रेडियो एफएम का तोहफा मिलने जा रहा है। जेल बंदियों के लिए काम करने वाली तिनका तिनका फाउंडेशन संस्था के सहयोग से जेल प्रशासन द्वारा खुद का एक रेडियो एफएम स्थापित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से जेल में बंद सभी कैदी मनोरंजन कर सकेंगे। इतना ही नहीं, जहां कैदी अपनी फरमाइश के गाने सुन सकेंगे, वहीं कैदी स्वास्थ्य, कानूनी और ज्ञानवर्धक जानकारी ले सकेंगे। खास बात यह है कि एफएम को चलाने वाले रेडियो जॉकी भी बंदी ही होंगे, जिन्हें रेडियो जॉकी की ट्रेनिंग तिनका तिनका फाउंडेशन संस्था द्वारा दी जाएगी। शुरुआत में हरियाणा की फरीदाबाद, पानीपत और अम्बाला जिला जेलों में एफएम स्थापित होने जा रहे हैं। एसपी साहब, एफएम रेडियो शुरू करने जा रहे हैं जेल के अंदर, किस तरह से काम करेगा, क्या क्या स्थिति है फिलहाल इसकी? इसके लिए हमने जेल के अंदर जेल के बंदियों के द्वारा निर्मित कार्यक्रम दिखाने हैं, और उसके लिए हमारे यहाँ एम्पलीफायर, मिक्सर और जो स्पीकर हैं उनका अरेंजमेंट किया हुआ है। वो सभी बैरकों के अंदर स्पीकर लगे होंगे, और जेल के जो बंदी हैं वो अपना खुद का प्रोग्राम तैयार करके इसके ऊपर प्रसारित करेंगे। इसमें सभी बंदी रिपोर्टर की भूमिका भी अदा करेंगे, और वो अलग अलग प्रकार का जो प्रोग्राम है वो चलाएंगे, चाहे उसमें शिक्षा का है, चाहे उसमें स्वास्थ्य के बारे में है, चाहे उसमें और महत्वपूर्ण जानकारी है। उसके साथ साथ जो बंदियों की जो फरमाइश है उसके अनुसार उनके जो गाने हैं वो भी प्रसारित इसके अंदर किए जाएंगे। तो रेडियो जॉकी जो होंगे वो कौन होंगे? रेडियो जॉकी हमारी जेल के ही बंदी हैं, जिनमें से 5 महिलाएं और 5 पुरुष, उनको बाकायदा ट्रेनिंग दिलवाई गई है ऑनलाइन। मैडम वर्तिका नंदा जी हैं, जो कि तिनका तिनका फाउंडेशन की फाउंडर हैं, उनको ये ट्रेनिंग दिलवाई है, उनके माध्यम से ये ट्रेनिंग दिलवाई है। और हमारे जो डीजी साहब हैं के सालोराज जी, उनके दिशा निर्देश पर ही ये 3 जेल हमारी सिलेक्ट हुई हैं। कौन कौन सी? फरीदाबाद, पानीपत और अम्बाला। तो ये कब से शुरू कर देंगे आप इसको? ये हम बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। अभी इसका जो नाम है वो भी अभी फाइनल नहीं किया है। जेल रेडियो रखेंगे या इसमें और कोई जो भी नाम होगा वो जल्दी ही हम आप लोगों को बताएंगे। तो एसपी साहब, क्या ये जेल के अंदर ही प्रसारित होगा या बाहर भी लोग सुन पाएंगे इसको? ये जेल के अंदर ही रहेगा प्रोग्राम, ये बाहर सुनने का नहीं। आप फरमाइश का जिक्र कर रहे थे, जो कैदियों की फरमाइश के गाने कोई बजा सकता है या कुछ और कर सकता है, तो वो फरमाइश कैसे पहुँचेगी रेडियो एफएम तक? वो फरमाइश हमारे यहाँ जो हर बैरक के अंदर जो निगरान होते हैं या हमारे जो मुलाजिम हैं उनके माध्यम से ये हमारा जो सेंट्रल रूम है वहाँ तक आएगी, और उसको जो है इकट्ठी करके हम बारी बारी से जो है उन बंदियों की फरमाइश को जो है सुनाएंगे। कदम अच्छा है, लेकिन इसके पीछे का मकसद क्या रहा है? इसका मकसद यही था कि जो बंदियों के अंदर कई बार एक निराशा का भाव था, या उनके अंदर जो जेल के अंदर रहते हुए कोई जैसे हेल्थ संबंधी जानकारी है, नियमों की जानकारी है, और बाकी जो शिक्षा की जो जानकारी है और बाहर की जो न्यूज़ हैं उसको यदि हम एक अपना खुद का चैनल चला के यदि हम शुरू करते हैं, तो उससे बहुत सारा जो एक पॉजिटिव चेंज जो है बंदियों के अंदर आएगा, और सकारात्मक रूप से जो है ये जेल के लिए काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। मैम, हरियाणा के जेल में ये जो एक रेडियो की शुरुआत की गई है, किस तरीके से शुरुआत की गई है और कैसे यह काम करेगा? देखिए, 2013 में तिहाड़ जेल में पहली बार प्रिजन रेडियो की शुरुआत हुई। उस दिन मुझे मौका मिला था, मैं तिहाड़ में ही थी क्योंकि हम तिनका तिनका तिहाड़ पर काम कर रहे थे, और तब ये लगा था कि जेलों के लिए अपना रेडियो होना चाहिए। 2019 में डिस्ट्रिक्ट जेल आगरा में एक रेडियो की शुरुआत की गई। ये जेल रेडियो बाकी जेल रेडियो से बहुत अलग था, और तब हमने तिनका तिनका प्रिजन रिफॉर्म्स मॉडल पर काम करना शुरू किया। हाल के दिनों में ये तय किया कि अब हरियाणा की जेलों में रेडियो शुरू किया जाए, क्योंकि यहाँ किसी भी जेल में अब तक रेडियो नहीं है, और 3 जेलों का चुनाव किया गया, सेंट्रल जेल अम्बाला, डिस्ट्रिक्ट जेल पानीपत और डिस्ट्रिक्ट जेल फरीदाबाद। इन तीनों जेलों के बंदियों को एक नोट भेजा गया कि अब आपका एक ऑडिशन होगा। ऑडिशन के लिए बड़ी तादाद में बंदी जमा हुए, और उसके बाद सिलेक्शन हुई। 21 बंदियों को चुनाव हुआ, इसमें 5 महिलाएं भी हैं।
फिर हमने उनको जेल की ट्रेनिंग, रेडियो की ट्रेनिंग देनी शुरू की। खास बात यह है कि इनमें से कोई भी इनमेट इससे पहले किसी का रेडियो का कोई बैकग्राउंड नहीं था, इनफैक्ट जर्नलिज्म का कोई बैकग्राउंड नहीं था। इसमें कुछ निरक्षर थे और कुछ बहुत पढ़े लिखे थे, जैसे एक MBBS डॉक्टर भी हैं और एक महिला जो कि कई स्कूलों को संचालित कर चुकी हैं, वो भी इसका एक हिस्सा थी। एक पूरा समागम हुआ और फिर रेडियो की ट्रेनिंग शुरू हुई। यहाँ इस बात का भी मैंने ध्यान रखा था कि इन्हें हम टेलीविजन और रेडियो दोनों की कुछ बेसिक्स के बारे में भी जानकारी दें। जैसे हमने बताया 5 W's and 1 H क्या होता है, इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल में कैसे लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, रेडियो या टीवी की टर्मिनोलॉजी क्या है, मोंटाज क्या है, लोगोस कैसे बनेंगे, और बड़े रोचक नतीजे सामने आए। कई बंदियों में शुरुआत में बहुत सारे हिचक थी, वो हिचक टूटती गई। खासतौर पर आखिरी दिन देखा हमने कि महिलाएं बहुत खुलकर सामने आई। एक खास बात और, इन जेलों से अपने रेडियो का परिचय गान बनाने के लिए कहा गया था। मैंने एक गाना कहा था, इन सब ने 4-4 गाने तैयार किए, सीमित संसाधनों में, बाहर से कोई सपोर्ट नहीं किसी भी तरह का, और इन्होंने तबला लिया और उसके साथ ही अपने आप गानों को लिखा। मेरी इच्छा ये थी कि ये धुन खुद बनाए, इन्होंने धुन को भी खुद बनाया। और ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि तिनका प्रिजन रिफॉर्म्स मॉडल अपनी इस छोटी सी कोशिश में कामयाब रहा कि 21 लोगों के जरिए जेलों के अंदर खुशियां भरी। ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहें यस टीवी।